हेलो इन्वेस्टर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग विद राज, जहां पर मैं करता हूं स्टॉक एनालिसिस और आपको बताता हूं कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जिसमें कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि निफ्टी की आगे मूवमेंट कैसे रहेगी, मार्केट की मूवमेंट कैसे रहेगी बेसिकली, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि अभी वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कि मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी कब रिकवर करेगा और कैसे रिकवर करेगा। सेम चीज यहाँ पर हो रही है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, ये वापस उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक्ट हुआ है, इस तरीके से मैं आपको बोल सकता हूँ। और ये एक्ट होने के बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 16,326। इस जगह पर मुझे दोस्तों एक छोटा सा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि लगता है कि स्लाइटली आपको एक करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा जो बहुत ही ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है दोस्तों, वो ये है जो कि 16,800 टू 900 के बीच में है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे उन स्टॉक्स के ऊपर जिसमें कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं और मुझे लगता है कि आपको वो स्टॉक्स अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो यहां पर आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, यहां इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस जगह पर, और यहां पर आप टेलीग्राम में और फेसबुक पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला स्टॉक जो है वो है टाटा पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम वीकली चार्ट खोलते हैं तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिलरेशन में रहा है ये पिछले कुछ हफ्तों से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये एक इसका सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि इसने रिवर्सल भी दिया है। तो चांसेस है कि यहाँ से ये रिवर्सल ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न भी नज़र आ रहा है दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके का एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अच्छा ब्रेकआउट हमें दे सकता है यहाँ पर। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों एक रहेगा जिसमें कि हम SIP कर सकते हैं या लम सम में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बाय एंड होल्ड फॉर एवर स्टॉक है। और यहाँ पर अगर दोस्तों जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका, वो कहीं ना कहीं इस जगह पर है दोस्तों। यहाँ देखिए, इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, हमें जो है 35% का एक शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 300 रुपीज़ के अबव, दैट इज 360 के आसपास भी जा सकता है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा टाटा पावर जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अभी यूटिलिटी सेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा। और इनके जो ईवी को लेकर के जो इनकी स्ट्रैटेजी रही है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है अपनी ग्रोथ को करने, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर इज़ द स्टॉक ऑफ फ्यूचर, और ये स्टॉक हमें हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता है सपोर्ट लेवल, तो ये फ्री फॉल की तरह जाएगा, और यहाँ से फिर दोस्तों जो है ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह पर सपोर्ट ले सकता है दोस्तों, नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये जो एक सपोर्ट होगा दोस्तों फिर यहाँ पर होगा, दैट इज डायरेक्टली यहाँ से जो है मान के चलिए 120 टू 135 के आसपास ये जा सकता है दोस्तों। ये एक इसका सपोर्ट हो सकता है, बट मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, होल्ड फॉर एवर स्टॉक है, तो मैं मैटर नहीं करता मेरे लिए कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी कर जाए। तो अभी फिलहाल आपको जो है 202 का एक सपोर्ट लेवल है उसके आसपास, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो है 277 के आसपास। तो ये तीन लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ पर अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट 207 के आसपास मैंने किया हुआ है, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट लमसम में। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसे आप अपने रडार में रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों राइट्स लिमिटेड। ये भी मेरे लिए एक SIP स्टॉक है, बाय एंड होल्ड फॉर एवर स्टॉक है। जैसा कि हमने देखिए, इसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, देखा था, बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि 240 के आसपास जो है ये सपोर्ट ले सकता है, और इसने लिया भी, थोड़ा स्लाइटली नीचे भी आया है, 227 तक आया है, बट जो मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 240 के आसपास था। अभी इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पर एक अच्छा मौका है दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने का। अब क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया है तो सेम हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न है ये वाला, ये वर्कआउट करेगा, और यहाँ से जो है दोस्तों 285 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और जो टारगेट है वो 329 का इंटैक्ट है। तो ये एक स्टॉक रहेगा जो जिसे आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों RVNL रहेगा, जो कि मुझे मेरे लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक है। और जैसा कि आपने देख सकते हैं दोस्तों, हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बढ़ सकता है, इस जगह पर मैंने बताया था ये रेजिस्टेंस लेगा,
और यहाँ से फिर ये इस जगह पर सपोर्ट लेगा। तो इसने ऑलरेडी वो सपोर्ट को एक्ट किया दोस्तों, 30.45 का इसका जो सपोर्ट है वो एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और ये अपना एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की ओर चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बन करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो 40 रुपीज के आसपास ही है। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है देन 48-50 रुपीज के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बाकी आगे फिर कैसा इसमें स्कोप आ रहा है, किस तरह का इसका न्यूज आ रही है, किस तरह के परफॉर्मेंस हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन क्वार्टरली रिजल्ट्स, हम आगे स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये एक स्टॉक रहेगा जिसे कि आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा दोस्तों बायोकॉन। तो दोस्तों ये रहा बायोकॉन का चार्ट। इसके अंदर मैंने अपने वीडियोस में बताया था कुछ सपोर्ट लेवल, दैट इज 320 के आसपास का मैंने उस टाइम में भी सपोर्ट लेवल बताया था अपने वीडियो में। तो ये रहा दोस्तों उसका सपोर्ट लेवल कुछ इस जगह पर था, बट अभी इसने क्या किया है ना, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया हुआ है और ये काफी नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर रहेगा और इस जगह पर जो है दोस्तों ये सपोर्ट ले सकता है और ये फिलहाल जो है फॉल होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी फिलहाल जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जिन्होंने हाई प्राइस पे बाय किया है उन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रख करके इन्हें वेट करना होगा इस लेवल तक, 286.90 के आसपास के लेवल्स पे इन्हें उन तक वेट करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद यहाँ से हम जो है उसे एवरेज आउट करेंगे 3:1 के रेशियो में, मैं खुद करने वाला हूँ 3:1 के रेशियो में इसे एवरेज आउट करूंगा और वहां से फिर हम इसे होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसने अपने मेजर सपोर्ट लेवल जो है दैट इज 320 के आसपास का वो इसने ब्रेक किया दोस्तों। तो मुझे लगता है यहाँ से और थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस है। अब यहाँ से ये कितना नीचे जाएगा, यहाँ से देखिए लगभग ये और जो है 10% के आसपास नीचे जा सकता है, लेकिन वहाँ से फिर अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेता है तो उस टाइम की स्टोरी कुछ और रहेगी और वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो सपोर्ट लेवल है हमारा अभी करंट, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये नीचे जाकर के यहाँ पर ये रिवर्सल दिखा सकता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक रहेगा जिसको आप अपने वॉचलिस्ट में रखिए, बट पर्सनल बस अभी फिलहाल एवरेज आउट करना या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना मैं इसमें बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं इसमें नीचे आने तक का वेट करूंगा, 280-285 के लेवल तक आने का वेट करूंगा और उसके बाद ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा दोस्तों जो मेरी वॉचलिस्ट में रहेगा, लेकिन मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं 285 के लेवल तक वेट करूंगा इसमें। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज में बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, इस जगह पर हमने इन्वेस्ट किया था दोस्तों, दैट इज 166 के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद इसने 166 के आसपास जो है सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक किया, ये वाला जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक किया इसने और यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आ गया दोस्तों। तो अभी मुझे लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और मैं इसमें पर्सनल लेवल पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर इसका मैं मंथली चार्ट देखता हूँ दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये डब्लू पैटर्न बनाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट चांसेस है कि थोड़ा ये नीचे आ सकता है, लाइक 128 के आसपास या 138 के आसपास एक बार फिर से नीचे आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसमें कि एक्यूमुलेशन मैं करने वाला हूँ, मैं इसमें लम सम इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे आएगा तो मैं इसमें एक्यूमुलेट करते रहूंगा, दैट इज 128 के आसपास तक मैं इसमें इन्वेस्ट एक्यूमुलेट करूंगा और कम कम क्वांटिटीज में मैं इसे बाय करते रहूंगा। अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 172 के आसपास और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारा है 172 के आसपास और यहाँ पर मैं 3:1 के रेशियो में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब कि 166 में मैंने अगर एक स्टॉक बाय किया था तो यहाँ 140 या 128 के जो सपोर्ट लेवल है उसके पास मैं 3 स्टॉक्स बाय करने वाला हूँ। फॉर एवरी वन स्टॉक आई विल इन्वेस्ट इन 3 मोर स्टॉक्स। तो ये इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करके इसे हम होल्ड करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे। हमारा जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो 202 के आसपास का है, अगर वो वहाँ से ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली तो फिर हम इसे जो है 300 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसमें कि अभी मैं एक्यूमुलेशन करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अमर राजा बैटरीज। अमर राजा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले और उस टाइम में मैंने एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर के मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ज़्यादा नहीं, जस्ट 15-20% का रिटर्न मिला था मुझे, उससे ज़्यादा नहीं मिला था और वहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट भी किया है। जैसे वो नीचे आने लगा मुझे लगा कि नीचे आ रहा है। तो ये एक स्टॉक रहेगा दोस्तों जिसमें कि अभी हम लोग एक्युमुलेशन के बारे में सोच सकते कि ये अपने फिलहाल जो है सपोर्ट लेवल के आसपास है दोस्तों। ये एक सपोर्ट लेवल है इसका, थोड़ा स्लाइटली नीचे जा सकता है और यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है दोस्तों। इस तरीके का देखिए यहाँ पर जो है एक डब्लू पैटर्न बन सकता है मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक के अंदर। तो ये एक स्टॉक रहेगा दोस्तों जिसको मैं अपने वॉचलिस्ट में रखने वाला हूँ और इसमें मैं एक्यूमुलेट करने वाला हूँ।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस जगह पर नजर आ रहा है, इस जगह पर रेजिस्टेंस ले सकता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर करंट मार्केट प्राइस से रेजिस्टेंस तक हम रिटर्न देखें तो 67% का रिटर्न बन रहा है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर आएगा दोस्तों, जो कि मुझे लगता है 1623% का रिटर्न मिल सकता है अगर ये दोनों रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसमें कि मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ और नीचे मैं इसे एक्यूमुलेट करूँगा 420 के आसपास तक, मतलब 420 के आसपास मैं इसे तक एक्यूमुलेट करूँगा। मेरा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 755 का रहेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 168 के आसपास का रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसको आप अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं और सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रख के इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन्फीबीम के बारे में। इन्फीबीम के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, हालांकि ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन काफ़ी लोगों ने क्योंकि मुझे पूछा है तो मैं इसके बारे में आपके साथ डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये कंटिन्यूसली बियरिश ट्रेंड में है दोस्तों। देखिए यहाँ से ये ऊपर गया देन यहाँ से ये कंटिन्यूसली बियरिश ट्रेंड में आया है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक है जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने जिससे मेरे को कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर बताया है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इस जगह पर है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से देखिए इस तरह से ये इस सपोर्ट लेवल के पास ये जा रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, चांसेस है। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना नीचे आ सकता है, ये यहाँ से ये 35% तक नीचे आ सकता है। 13 रुपये की प्राइस चल रही है अभी फिलहाल, 13.55 रुपये, और यहाँ से ये नीचे जो आ सकता है दोस्तों 9.35 से 8.80 तक का इसका जो है एक सपोर्ट लेवल ये ले सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पर एक इस तरीके का हैंड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बन सकता है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा मैं अवॉइड करूंगा पर्सनल लेवल पे, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ तक नीचे तक वेट करूंगा, पहले देखूंगा कि क्या ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना रहा है वो मैं देखूंगा। अगर ये नीचे गिरता है तो और भी चांसेस है नीचे आने के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके का कुछ होगा। यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ भी जा सकता है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसको आप अपने वॉचलिस्ट में रखिए, मेरा इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं 27 है। तो अभी फिलहाल फंडामेंटली कैसा है ये स्टॉक, मुझे मैंने जहाँ तक इसके फंडामेंटल्स चेक किए हैं फंडामेंटली इसमें फ्यूचर ग्रोथ तो है और फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं इसमें वेट करूँगा 9 रुपीज़ तक। अगर वहाँ पर कुछ मुझे प्राइस एक्शन नज़र आता है या फंडामेंटल्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उसको एक ट्रेंड रिवर्सल दे तो मैं शायद इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है दोस्तों, और अगर आप देखें यहाँ पर इसका जो मंथली चार्ट है उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए ये एक इसका एम बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये कहाँ तक जाएगा हम अभी इसमें कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस रेंज में है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे जा करके ये जो है 42 के आसपास ये जो है सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। इस जगह पर थोड़ा ये सपोर्ट ले सकता है जो कि मुझे लगता है 42 के आसपास है। तो यहाँ से अगर ये 42 तक जाता है तो शायद वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो सपोर्ट ब्रेक कर देता है देन चांसेस है दोस्तों ये काफ़ी नीचे जाएगा और करंट मार्केट प्राइस से जो दोस्तों ये बहुत नीचे जा सकता है, लगभग मान के चलो 20 रुपीज़ के आसपास भी जा सकता है और ये डाउनवर्ड बियरिश मोमेंट कंटिन्यू रख सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए प्रकाश इंडस्ट्रीज को। अभी इसने अपने सारे सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया है, लेकिन ये जो प्राइस है एक 42 रुपीज़ का उसे आप क्लोजली मॉनिटर करिए। अगर किसी ने हाई प्राइस में इन्वेस्ट किया है तो वो 42 रुपीज़ के आसपास 3:1 या 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट कर सकता है, एवरेज आउट कर सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता है देन आप 22 लेवल के लिए भी रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम 42 रुपीज़ के आसपास इसमें एवरेज आउट करें हाई प्राइस पे जिन्होंने लिया है उनके लिए, या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसी को लेना चाहते हैं तो आधा पहले इन्वेस्ट कर ले और उसके बाद जो है फिर वो 22 लेवल का वेट करें अगर वहाँ से आता है तो 22 लेवल पे। अदरवाइज अवॉइड करना है तो अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी अभी मेटल इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़ा बियरिश है, तो इसी वजह से
ये एक स्टॉक रहेगा जिसमें कि अभी फिलहाल मैं कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि काफी लोगों ने मुझे पूछा है तो मैं उनको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि 42 रुपीज के आसपास वो सपोर्ट ले तो एवरेज आउट किया जा सकता है, अदरवाइज 22 रुपीज तक का हमें वेट करना होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जब यहाँ पर अगर आपको कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आए इस जगह पर, यहाँ पर एक और कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल जनरेट हो सकता है मुझे ऐसा लगता है, और अगर कोई ग्रीन कैंडल बन करके ये 40-53 को अगर या 54 को अगर क्रॉस करे, 50 रुपीज़ को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें यहाँ पर एक छोटा सा डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। इस तरीके का डब्लू पैटर्न भी आपको यहाँ बनता हुआ नजर आएगा, ये तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी इसके अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वही सेम हमारा 89 रुपीज़ के आसपास रहेगा। अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे हमें, जो कि है लगभग 80% का रिटर्न मिलेगा। और ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो देन बहुत ऊपर जा सकता है, ये चांसेस हैं 130 तक भी ये जा सकता है, बट अभी फिलहाल जो है मुझे थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है, तो अभी फिलहाल मेरी अवॉइड लिस्ट में है टिल 42। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन रहेगा उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी दोस्तों मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था स्टोरी में कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका मैं आपको वीकली चार्ट बताता हूँ मैंने कहाँ इसमें इन्वेस्ट किया। मैंने इसे इन्वेस्ट किया था दोस्तों इस जगह पर जब ये 1110-1120 के आसपास ट्रेड हो रहा था, मैंने उस जगह पर इसमें इन्वेस्ट किया था। मुझे इसमें जो है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल नज़र आया था, देखिए इस तरीके का सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा था उस टाइम में, तो मैंने यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट किया था दोस्तों। अब ये जो है फिलहाल मुझे कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है, ये मुझे लगभग 30% के आसपास का रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 30% के आसपास का जो रिटर्न दे रहा है। मैंने इसे इन्वेस्ट किया 1100, हाँ मेरा 1100 के आसपास का है, पर ठीक है सपोर्ट लेवल से ये कितना इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज 31% का। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मैं आपको ये स्टॉक इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरी स्टोरी देख करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा या इसे फॉलोअप किया होगा तो मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पर मुझे एक 1522 से लेकर के 1534-35 तक मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता है तो चांसेस है कि ये यहाँ पर इस तरीके से नीचे आएगा, वापस यहाँ से इस तरीके से नीचे आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा और आपको जो स्टॉप लॉस है उसे मेंटेन करके चलना होगा। तो हम स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करेंगे, हम मेंटेन करेंगे दोस्तों 1480 के आसपास। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला जो है हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, मतलब मैं पर्सनली यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है इस जगह पर मैं करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं पर्सनल लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने वाला हूँ जो कि मैं इस जगह पर इन्वेस्ट करूँगा, जो कि मुझे लगता है 1450 के आसपास या 70 के आसपास होना चाहिए इस जगह पर। तो 1471 ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ दोस्तों। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मुझे कहीं ना कहीं 1522 to 1540 तक मुझे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर हमने जब इसे बाय किया था तब उसका जो सपोर्ट लेवल था वो 1100 के आसपास था दोस्तों। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट एक्ट किया, ऊपर गया, अब ये 35% का रिटर्न हमें दे रहा है और यहाँ से हमें इसे एग्जिट करना है स्टॉप लॉस मेंटेन करके। लॉन्ग टर्म में जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए जो उनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, दैट इज 1910 के आसपास। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसको आप, जिन लोगों ने मेरी स्टोरीज देख करके इसे वॉच किया होगा, इसको फॉलो किया होगा, उनके लिए ये एनालिसिस है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा दोस्तों मारुति सुजुकी। इसका मैंने यहाँ पर देखिए वीडियो बनाया है मारुति सुजुकी का इस जगह पर। तो दोस्तों मारुति सुजुकी के वीडियो में जैसा कि आप देखेंगे हम लोग इसमें एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कहाँ पर हमने इसमें बाय करने के बारे में सोचा था। तो ये रहा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने सपोर्ट लेवल दिखाया था उस टाइम में, उसकी जो मार्केट प्राइस चल रही थी वो 6899 चल रहा था। तो यहाँ पर इस जगह पर देखिए दोस्तों यहाँ से रिवर्सल आया, ये जो स्टॉक है हमने इस जगह पर बाय किया था दोस्तों, इस जगह पर हमने एक्यूमुलेट किया था। हालांकि मैंने इसमें फुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, एक्यूमुलेशन ही किया था इसके अंदर मैंने, तो इस जगह पर हमने इसमें इन्वेस्ट किया था दोस्तों। और यहाँ से देखिए इसने अच्छा खासा रन दिया था, ये लगभग वहाँ पर हमें कितने परसेंट का रिटर्न दे चुका है, यहाँ से ये ऑलमोस्ट हमें जो है 30% का रिटर्न दे चुका था उस टाइम में, और उसके बाद ये नीचे आया है और वापस अभी फिर ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ वापस आ जाए ऐसा एम पैटर्न बना करके। हालांकि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन नहीं बनाइए। और उसके बाद ये नीचे आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 10,000 रुपीज़ के आसपास का, वो डेफिनेटली अचीव करेगा, चांसेस है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता तो चांसेस है कि ये वापस जो है इस जगह पर 7,000 के रेंज में आ सकता है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनके लिए है ये एनालिसिस, वो उसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं और जो भी डिसीजंस लेना है वो ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो मुझे हेल्प करिए ताकि हम यहाँ पर 10K सब्सक्राइबर्स को रीच कर सकें। और 10K सब्सक्राइबर आने के बाद मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स में कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस तो मैं बताता ही हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है, कैसे हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को हमें लेकर आना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इसलिए मुझे हेल्प करिए 10K सब्सक्राइबर्स पहुंचाने के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे लाइक करिए ताकि यूट्यूब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।